तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो बात करते हैं जहां पे पहले दोनों T20 में बहुत सारे से फाइट देखने को मिला, लेकिन लास्ट मैच में बात करें तो जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दोनों गेम्स में हरा दिया और सीरीज भी 2-2 जीत कर आ रही है। वहीं बात करते हैं सीरीज के लास्ट T20 मैच की, जो कि खेला जाएगा 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहां पे मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे। वहीं अगर टेम्परेचर देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ह्यूमिडिटी जहां पे 65% देखने को मिल सकता है। हवा की बात कर देंगे, विनिंग परसेंट देखते हैं, जहां पे बैटिंग फर्स्ट का यहां पे 43% जीतने का चांस है, तो भी बॉलिंग फर्स्ट का यहां पे 57% जीतने का चांस है। हवा की बात कर देंगे, एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 133 है, तो वही सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 134 है। हवा की बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 6 मैच जीत के आ रही है तो वेस्ट इंडीज 4 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पहली टीम ऑस्ट्रेलिया का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहां पे T20 टीम के कैप्टन की बात करें तो मिचेल मार्श से ओपनिंग में जहां पे उतर रहे हैं डेविड वार्नर ने, जॉस इंग्लिस की जोड़ी देखने को मिल रही है। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जहां पे मैक्सवेल ने स्टोनिस है, अगर लास्ट गेम की बात करें तो जहां पे मैक्सवेल ने लास्ट गेम में इंटरनेशनल करियर का 5वां T20 सेंचुरी बनाया। वहीं अगर लोअर ऑर्डर में बात करें तो जहां पे बैटिंग में टिम डेविड है, मैथ्यू वेड है। वहीं अगर बॉलिंग यूनिट में बात करें तो जहां पे जेसन बैंड्रोप, जो कि लास्ट गेम में बहुत महंगे पड़े थे, स्पेंसर जॉनसन को लास्ट गेम में चांस मिला था, उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। वहीं अगर स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जहां पे एडम जंपा है, हेजलवुड जो टीम को ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। वहीं अगर की प्लेयर की बात करें तो जहां पे जॉस इंग्लिस है, जॉस हेजलवुड है और डेविड वार्नर है। अब बात कर देंगे प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे जॉस इंग्लिस है, डेविड वार्नर है, मैथ्यू वेड है, मिचेल मार्श है, टिम डेविड है, जॉस हेजलवुड है, जेसन बैंड्रोफ है, ग्लेन मैक्सवेल है, स्पेंसर जॉनसन है, एडम जंपा, मार्कस स्टोनिस है। अब आगे बात करते हैं दूसरी टीम वेस्टइंडीज का शॉट एनालिसिस करते हैं। बात कर रहे हैं रिसेंटली दोनों मैच में बुरी तरह वेस्टइंडीज पीट के आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, T20 में अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर रही है, लेकिन थोड़े से अंतर से टीम भी चूक जा रही है। टीम की कैप्टन की बात करें तो जहां पे रोवन पॉवेल है, वहीं अगर बैटिंग टीम की स्ट्रांग है, लेकिन कोई भी प्लेयर बिग इनिंग नहीं खेल पा रहा है, कुछ ही शॉट लगाकर आउट हो रहे हैं। वहीं अगर ओपनिंग में बात करें तो ओपनिंग में ब्रैंडन किंग एंड जॉनसन चार्ली की जोड़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जहां पे साई होप है, निकोलस पुरन है, जो कि टीम में ऐड हुए हैं। साई होप T20 में फेल चल रहा है। नंबर 5 पे जहां पे रोवन पॉवेल ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए थे। वहीं अगर लोअर ऑर्डर में जहां पे ऑलराउंडर जेसन होल्डर है, एंड्रे रसल भी है, रसल ने लास्ट गेम में 37 रन बनाए थे। वहीं बॉलिंग बात करें तो बहुत वीक दिख रही है अल्जारिस जोसेफ, जो टीम के एक्सपीरियंस बॉलर है, जेसन होल्डर ने लास्ट गेम में सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले थे। वहीं पे अकील हुसैन की बात करें और मारियस सोफ है, जो टीम को विकेट दिला सकते हैं। अब बात कर देंगे की प्लेयर देखते हैं, जहां पे रोवन पॉवेल है, एंड्रे रसल है, निकोलस पुरन है। अब आगे बात कर देंगे इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे ब्रैंडन किंग है, रोवन पॉवेल है, साई होप है, जॉनसन चार्ली है, निकोलस पुरन है, होल्डर है, एंड्रे रसल है, सरफेन रदरफोर्ड है, मारियस सोफ है, ओथन थॉमस है, अकील हुसैन, अल्जारिस जोसेफ है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, आगे चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच की बात करें तो काफी तगड़ा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, काफी इजली वे में डिफेंड कर रही है दोनों मैच। तो यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे अगेन वेस्टइंडीज को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।